आज कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कुल 9 जोन 20 सेक्टर पुलिस थाने और 56 चौकियां बनाई गई हैं। कुल 22 पीपा पुल भी हैं जिन पर वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं प्रयागराज में श्रद्धालु सात राजमार्गों में प्रवेश करेंगे। उनके वाहनों की पार्किंग के लिए 95 पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार तिवारी ने एसपी ट्रैफिक ओपी सिंह से खास बातचीत की है। कुंभ मेले में 12 करोड़ श्रद्धालु आने हैं। मेरे साथ में एसपी ट्रैफिक हैं ओपी सिंह साहब, जो यहाँ पर एसपी ट्रैफिक कुंभ है, इनसे बात करेंगे। काफी संख्या में श्रद्धालु आने हैं और अभी से काफी लोग आने भी लगे हैं, तो ऐसे में दिव्य और भव्य कुंभ इस बार भीड़ काफी आने का संभावना है। तो ऐसे में क्या आपका ट्रैफिक प्लान है और क्या व्यवस्था इस बार रहेंगी खास? देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व होने जा रहा है ये गंगा जमुना के पवित्र संगम तट पे प्रयागराज में, ये 15 जनवरी 2019 से प्रारंभ होकर के और 4 मार्च 2019 तक हमारा 49 दिन का एक महापर्व है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग, इसमें लगभग 10 से लेकर 15 करोड़ लोग जो श्रद्धालु हमारे देश के नहीं बल्कि विदेशों से आने हैं। आप मैप पे देख सकते हैं, ये हमारा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये कुंभ मेला का मैप है, जो टोटल लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में ये कुंभ मेला विकसित होने जा रहा है। इसमें हम लोगों ने जो लोग आ रहे हैं दिव्य और भव्य कुंभ का दर्शन करने जो लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से आए, सुरक्षित तरीके से स्नान के उपरांत उसकी वापसी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पुलिस का एक व्यापक बंदोबस्त किया गया है। एक संक्षेप में बताया जाए आपको तो हमने अपने संपूर्ण मेला एरिया को 9 जोन 20 सेक्टर और 40 थाने में डिवाइड किया है। 40 थाने के अंतर 58 पुलिस चौकियां बनाई गई है। क्योंकि हमारा ये मेला स्पेशली गंगा और जमुना के पवित्र संगम पे होता है तो नदियों के दोनों तरफ हमारा मेला रहता है, तो आने जाने के लिए इन नदियों पे 22 पीपा पुल बनाए गए हैं। इसमें हम लोगों ने एक तरफ एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है, पुलों के दोनों तरफ चौकियां स्थापित की जा रही हैं। और इसके अलावा चूंकि हमारे ये प्रयागराज का जो जनपद है, प्रयागराज के जनपद में विविध कोने से 7 दिशाओं से चाहे वो सड़क मार्ग से आने वाले जो यात्री होते हैं इन पे नजदीक से नजदीक पार्किंग की व्यवस्था की गई है, हैवी व्हीकल की अलग व्यवस्था की गई है, लाइट व्हीकल की अलग व्यवस्था की गई है और हमने ये एक सकुशल प्रबंध करने का व्यवस्थापन किया है। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी इस बार जब शाही स्नान होगा, शाही स्नान में पहला शाही स्नान 15 जनवरी को है मकर संक्रांति स्नान पर, उस दिन बहुत ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो यात्री बहुत पहले रोक दिए जाएंगे, तो ऐसे में क्या बाहर भी कुछ उनके लिए पार्किंग व्यवस्था रहेगी? और देखिए मैं आपको बता दूं, ये कुंभ का जो 3 शाही स्नान है, पहला 15 जनवरी को है, दूसरा हमारा 4 फरवरी को है जो प्रमुख स्नान पर्व भी है, और तीसरा 10 फरवरी को है। 3 जो हमारे शाही स्नान है, आपके माध्यम से बताना भी चाह रहा हूँ कि जो हमारा मौनी अमावस्या का शाही स्नान का पर्व है, उस दिन हम 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे जो ये यहाँ कुंभ का जो एरिया है, कुंभ एरिया के नज़दीक हम लोगों ने जो पार्किंग प्रबंध किया है, टोटल 95 पार्किंग डेवलप किए गए हैं। इसमें लगभग 5.5 लाख, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ संख्या को, 5.5 लाख वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। कुछ हमारे पार्किंग प्लेस जो 70% के आसपास हमारे पार्किंग है जो मेला क्षेत्र के नज़दीक हैं, जो 1 से लेकर 5 किलोमीटर के अंतर्गत हैं, और जो हमारे 30% जो पार्किंग प्लेसेज हैं जो 5 किलोमीटर से दूरी पर स्थित हैं, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिलकर के जनपदीय प्रयागराज प्रशासन से मिलकर के रोडवेज के साथ मिलकर के शटल बस वगैरह चलाने की व्यवस्था की गई है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो श्रद्धालु स्नान के पर्पज से आ रहे हैं वो मेला के नज़दीक तक जाएं और बिना किसी विघ्न बाधा के स्नान करें और सफल अपने घर को वापस आएं। इस बार दिव्य और भव्य कुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था काफी चाक चौबंद रहेगी और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा वो सुरक्षित अपने घर को जाएगा। समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी। फिलहाल बस इतना है।